34,687 पॉजिटिव केस हैं अब तक, जिसमें 1870 पिछले दिन के थे, और 20,871 तो 20,871 अभी एक्टिव केसेस हैं, और 12,731 लोग ठीक हो चुके हैं। बहुत हो गई, 1,085 दिल्ली में अभी तक टोटल ठीक है, कल टोटल डेथ का 65%। देखिए स्थिति का तो ये है कि केसेस लगभग 2 हफ्ते में डबल हो रहे हैं, और अभी से नहीं पिछले 2 महीने से लगभग यही चल रहा, ट्रेंड चल रहा है, हर 2 हफ्ते में केसेस डबल हो जाते हैं। उसका रीजन है कि भाई एक आदमी को लगभग 2 हफ्ते लग गए ठीक होने में, अगर वो ठीक होने से पहले 2 लोगों को भी इन्फेक्ट कर देता तो डबलिंग रेट यही चल रहा है। जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, बहुत टेक्निकल टर्म है, और इसको तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, WHO है या कोई भी संस्थाएं, वही बता पाएंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ ये जरूर है कि काफी लोगों को फैल रहा है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, इस पर क्या सर कुछ चर्चा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल एक तल्ख टिप्पणी की और कहा है कि दिल्ली जो है वो कोरोना कैपिटल बनने की कगार पर है, क्या याचिका में थी सुनवाई के दौरान? देखिएगा मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हुआ है ना, इसको देखना पड़ा किस कंटेक्स्ट में। जो कोरोना है ये पूरी सेंचुरी के अंदर, पिछले 100 साल के अंदर, 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसके बाद ये 100 साल के बाद एक इस तरह से बीमारी आई है, पूरी दुनिया के अंदर है। इसको ये कहना कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर कम है, ये जरूर हो सकता है कुछ आगे है कुछ पीछे है। कुछ देशों में पहले हुआ तो वहाँ पे अब स्लो डाउन हो गया है, कम होना स्टार्ट हो गया है, जिसमें बाद में वो उसमें फास्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा आगे पीछे की बात है। ये फैल बहुत तेजी से रहा है, और स्पेनिश फ्लू भी एक कोरोना वायरस था उस टाइम पर भी, और ये भी कोरोना वायरस है, जिसे नोवल कोरोना वायरस COVID-19 का नाम दिया गया है। इसकी बस यही डेंजरस है कि ये फैलता बहुत ज़्यादा है, बहुत तेजी से फैलता है, बहुत जल्दी। देखिएगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने सुना था वो बता रहे थे कि पर्ची आती है कोविड की, कोविड प्रोटोकॉल से जिनका संस्कार किया जाता है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनकी कोविड से डेथ हुई है, दूसरे होते हैं जिसको किसी भी तरह का शक होता है, सस्पेक्ट होता है। पर्ची यही जाती है कि कोविड प्रोटोकॉल से उनका संस्कार किया जाए, मतलब जो लिखित में जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल से संस्कार किया जाए, इसमें बहुत तरह के लोग होते हैं। मान लो एक किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई, तो अगर परिवार में कोई भी पॉजिटिव था, जब सस्पेक्ट भी था तो कहते यार सस्पेक्ट मान लो उसको कि कैन बी सस्पेक्टेड फैलना है, या कोई कह देता है कि जी इनको तो 4 दिन पहले बुखार आया था या कुछ भी बता दे, तो उसको सस्पेक्ट मान लिया जाता है। तो कोरोना सस्पेक्ट एंड कोरोना पॉजिटिव दोनों को कोरोना प्रोटोकॉल से दाह संस्कार किया जाता है, और साथ ही साथ जो रिपोर्टिंग है हमारे पास, रिपोर्टिंग हॉस्पिटल्स करते हैं सारे, तो फिर हॉस्पिटल की रिपोर्टिंग 2-3-4 दिन आगे पीछे होती है। सरकार ने पूरा इसका सिस्टम बनाया हुआ है, हॉस्पिटल में जाते हैं पूरी डिटेल जाते हैं, कई सारे केस ऐसे निकले जिनको कोरोना पहले डिक्लेयर कर दिया गया, उनकी रिपोर्ट मंगाई गई नेगेटिव निकली, ऐसे भी केस निकले कि रिपोर्ट तो नेगेटिव थी, नाम कोविड पॉजिटिव दे दिया गया। कई अब ये बताइए सरकारी रिकॉर्ड में आएगा, उसका नाम तो चाहिए, उसकी एज तो चाहिए, ये तो बेसिक डिटेल्स तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ा कि भाई हम कह दें कि भाई नंबर्स हैं। कल को आप ही हमसे पूछेंगे जी आपने कहा कि 1,085, अगर मैं कहता हूँ ये 2,000 है, 2,000 की लिस्ट दे दो, आप उनसे लिस्ट मांगो 2,000 की, तो पता लगेगा, और उसकी रिपोर्ट मांग लीजिए नेगेटिव रिपोर्ट, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट है तो रिपोर्ट भी होनी चाहिए, और कहते हैं उसके लिए कंफर्म होना चाहिए। हमने इस्तेमाल थोड़ा करना है, कोविड का इलाज करना है भाई, केंद्र सरकार ने किया, जो अपने जितने भी किए उन्होंने अपने आप किए ना, एमसीडी को कोई रोक नहीं रहा, एमसीडी आज से कर सकता है, एमसीडी को हम टेक ओवर थोड़ा कर रहे हैं भाई, या तो हमें टेक ओवर करा रहे हो, हमसे कुछ नहीं पूछना, उन्होंने आज से स्टार्ट कर दें।